Hello students, today we start with topic solar energy part 2. This is the second part of our solar energy topic. This is the topic of chapter 14, sources of energy. In the previous video, we have discussed about the introduction of solar energy and how a solar cooker can work. Now in this video, we start with the activity 14.6. First, study the structure and working of a solar cooker and or a solar water heater, particularly with regard to how it is insulated and maximum heat absorption is ensured. तो कहीं भी आपके पास अगर अवेलेबल है या आसपास आपके हो तो वहां पर आपने जो है स्टडी करना है स्ट्रक्चर और वर्किंग जो है सोलर कुकर की या सोलर वाटर हीटर की, और स्पेशली देखना है कि किस तरीके से वो इंसुलेटेड किया गया है ताकि मैक्सिमम हीट जो है उसके अंदर जो है मेंटेन की जा सके. डिजाइन एंड बिल्ड ए सोलर कुकर और ए वाटर हीटर यूजिंग लो कॉस्ट मटीरियल अवेलेबल एंड चेक व्हाट टेम्परेचर आर अचीव्ड इन योर सिस्टम. और एक जो है सोलर कुकर या सोलर वाटर हीटर को डिजाइन करने की कोशिश करनी है लो कॉस्ट मटेरियल से, जो आपके पास अवेलेबल हो उससे जो है बनाने की कोशिश करनी है और चेक करना है कि उसके अंदर कितना टेम्परेचर आप जो है अचीव कर पा रहे हैं. नेक्स्ट, डिस्कस व्हाट वुड बी दी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ यूजिंग दी सोलर कुकर और वाटर हीटर. और फिर जो है एडवांटेजेस जो है ढूंढनी है सोलर कुकर की या सोलर वाटर हीटर की, और जो है लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं एक सोलर कुकर के अंदर और सोलर वाटर हीटर के अंदर, तो वो जो है स्टडी करनी है. तो ये जो है डायग्राम दे रखी है 14.6 जो है एक सोलर कुकर की, तो ये हमने पिछली वीडियो के अंदर भी जो है डिस्कस की थी और किस तरीके से इसमें जो है हीट मेंटेन रहती है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी हमने स्टडी किया था और रोल ऑफ ग्लास शीट उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी. तो अब ये जो पीछे पूछे गए थे एक्टिविटी के अंदर एडवांटेजेस और लिमिटेशन के बारे में, अब हम वो सारी चीजें जो है स्टडी करेंगे इसके अंदर कि क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं एक सोलर एनर्जी की और क्या क्या इसकी डिसएडवांटेजेस होती हैं सोलर एनर्जी की. इट इज इजी टू सी दैट दीज डिवाइसेज आर यूजफुल ओनली एट सर्टेन टाइम्स ड्यूरिंग द डे. तो ये एक डिसएडवांटेजेस है इसकी, लेकिन इसको जो है करेक्ट करके किस तरीके से इस डिसएडवांटेज को भी इसकी ओवरकम किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, तो वो भी साथ में डिस्कस किया गया है. तो इट इज इजी टू सी दैट दीज डिवाइसेज आर यूजफुल ओनली एट सर्टेन टाइम ड्यूरिंग द डे. तो ये सर्टेन टाइम जो डे का होता है उसी के अंदर जो है हम इसको जो है यूज कर सकते हैं. जैसे दिन के टाइम में जब तक सनलाइट रहेगी तब तक इसका यूज किया जा सकता है, रात के टाइम इसका यूज नहीं होगा. द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी इज ओवरकम बाई यूजिंग सोलर सेल दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी. और इस लिमिटेशन को जो इस कमी को दूर किया जा सकता है सोलर सेल के द्वारा. तो जो सोलर सेल होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिनको हम फिर जनरेटर के अंदर जो है स्टोर जो है कर सकते हैं, इन्वर्टर के अंदर सॉरी उनको स्टोर किया जा सकता है. ए टिपिकल सेल डेवलप ए वोल्टेज ऑफ 0.5 to 1 volt एंड कैन प्रोड्यूस अबाउट 0.7 watt ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज्ड टू द सन. तो एक जो टिपिकल सेल होता है इसका सोलर सेल जो होता है, तो उसकी वोल्टेज जो है 0.5 से 1 वोल्ट रहती है एंड कैन प्रोड्यूस अबाउट 0.7 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये जो सोलर सेल होता है ये जो है 0.7 वाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है व्हेन एक्सपोज्ड टू द सन, जब ये जो है एक्सपोज रहेगा सन के अंदर. तो मतलब सनलाइट में इसको रखेंगे तो तब ये 0.7 वाट तक जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकता है. अब ये जो है सोलर जो है सेल कैसा दिखता है, तो वो डायग्राम के अंदर दिखा रखा है. इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं सोलर सेल पैनल. तो ये बहुतों के घरों में लगे भी होते हैं, गांव में भी और शहरों के अंदर भी लगे हुए हैं आजकल ये. तो देखा होगा कि ऊपर वाला जो सीट जैसी होती है उसकी, उसको हम सोलर सेल पैनल बोलते हैं. तो वही जो है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है. और उसके नीचे जो है ये बैटरी के लिए होता है इसमें सेगमेंट, जिसमें जो है बैटरी के कनेक्शन दिए गए होते हैं. तो सोलर सेल जो एनर्जी जनरेट करेगा वो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके फिर जो है वो जो है इस बैटरी के अंदर स्टोर हो जाती है, जिसको फिर जो है हम जब चाहें यूटिलाइज हम कर सकते हैं. ए लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर कंबाइंड इन एन अरेंजमेंट कॉल्ड सोलर सेल पैनल. तो लार्ज नंबर में जो है सोलर सेल्स को जो है कंबाइंड किया जाता है, और उसके कंबाइंड होने से क्या बनता है, एक जो है सोलर सेल
पैनल बनता है दैट कैन डिलीवर इनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रैक्टिकल यूज। तो उससे जो है इनफ इलेक्ट्रिसिटी जो है हम तैयार करवा सकते हैं अपने यूज के लिए। तो ये जो है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो है सोलर सेल्स होंगे और वो सोलर सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक बड़ा जो है सोलर पैनल बना रहे हैं। और ये जो कमर्शियल स्केल पे जब इससे जो है सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जाएगी तो ये जो है इसका साइज बड़ा हो जाएगा। जो सोलर पैनल है वो बड़े बड़े साइज के जो है यूज किए जाएंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद सोलर सेल्स आर दैट दे हैव नो मूविंग पार्ट्स, रिक्वायर लिटल मेंटेनेंस एंड वर्क क्वाइट सेटिस्फैक्टरली विदाउट द यूज ऑफ एनी फोकसिंग डिवाइस। तो आपने अपने घरों के आसपास अगर कहीं सोलर लाइट वगैरह लगी होंगी या किसी ने सोलर गीजर वगैरह लगवाए होंगे तो उसमें देखा होगा कि उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं लगा होता है। तो ये इसकी सबसे बहुत अच्छी एडवांटेज है, बहुत बढ़िया जो है इसकी क्वालिटी है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होगा जिसके कारण मेंटेनेंस वर्क इसमें जो है जीरो रहता है एंड वर्क क्वाइट सेटिस्फैक्टरली, और ये बहुत जो है सेटिस्फैक्टरली काम करता रहेगा बड़े लंबे टाइम तक विदाउट द यूज ऑफ एनी फोकसिंग डिवाइस, और इसमें कोई फोकसिंग डिवाइस का हम यूज नहीं करेंगे। Another advantage is that they can be set up in remote and inaccessible hamlets or very partially inhabited area in which laying of power transmission lines may be expensive and not commercially viable. तो इसकी एक और एडवांटेजेस है कि रिमोट एरिया जो है, जो बैकवर्ड एरिया है जहां पर जो है पॉसिबल नहीं है जो है पावर लाइंस को जो है बिछा पाना और जो है इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा पाना, तो उन जो है रिमोट एरिया के अंदर भी हम जो है इस तरीके से सोलर एनर्जी का जो है यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं और उन एरिया में भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है पहुंचा सकते हैं सोलर पैनल्स के थ्रू। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, सिलिकॉन विच इज यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल इज अबंडेंट इन नेचर। अब ये जो सोलर पैनल होता है और उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, सोलर पैनल के अंदर बहुत सारे सेल्स जो है जुड़े हुए होते हैं, तो ये जो सोलर सेल्स होते हैं ये बने हुए होते हैं सिलिकॉन के द्वारा, और ये जो सिलिकॉन है ये अबंडेंट है हमारे नेचर में। सिलिकॉन विच इज यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल इज अबंडेंट इन नेचर, वट अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन फॉर मेकिंग सोलर सेल इज लिमिटेड। तो सिलिकॉन जो है अवेलेबल है हमारे जो है एनवायरमेंट के अंदर, लेकिन जो स्पेशल ग्रेड का जो सिलिकॉन यूज किया जाता है सोलर सेल्स को बनाने के लिए वो जो है लिमिटेड होता है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज भी है कि स्पेशल ग्रेड का जो सिलिकॉन है वो लिमिटेड है अर्थ के ऊपर। द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। सिल्वर यूज फॉर द इंटरकनेक्शन ऑफ द सेल्स इन द पैनल फर्दर एड टू द कॉस्ट। तो एंटायर प्रोसेस जो होती है इसको मैन्युफैक्चर करने की, जो है सोलर पैनल को मैन्युफैक्चर करने की, और जो इसमें जो सोलर सेल्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाएगा बहुत सारे सोलर सेल्स को, तब जाके एक सोलर पैनल बनेगा, तो उसमें जो है इंटरकनेक्शन के लिए सिल्वर जो है मेटल यूज होता है। ये सिल्वर मेटल जो है बहुत कॉस्टली होता है और इसके कारण जो है और ज्यादा कॉस्ट जो है बढ़ जाता है इन सोलर पैनल्स का। तो देखा होगा कि मार्केट में ये इनका कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा हाई रहता है जो सोलर पैनल होते हैं। In spite of high cost and low efficiency, solar cells are used for many scientific and technological application. तो इतना ज्यादा कॉस्ट होने के बावजूद भी और लो एफिशिएंसी के होने के कारण भी जो है सोलर सेल्स का यूज जो है बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा साइंटिफिक एक्टिविटी के लिए किया जाता है और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में जो है सोलर जो है सेल्स का यूज किया जाता है, सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। Now coming to next advantage, artificial satellites and space probes like Mars orbiter use solar cells as the main source of energy. जो artificial satellites हैं या space probes हैं जैसे कि Mars orbiter है, तो ये जो सोलर सेल्स का यूज करते हैं एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मतलब स्पेस के ऊपर जो स्पेस में जो हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ रखे हैं तो उनको जो है वर्क करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो भी सोलर एनर्जी उनको अवेलेबल होती है जो सन से उनको मिलती रहती है। तो सोलर सेल्स उनमें जो है फिट किए जाते हैं और ताकि जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है उन सैटेलाइट्स के अंदर जो है मेंटेन हो सके और ताकि वो वर्क कर सकें और सिग्नल पहुंचा सकें अर्थ तक। रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम और टीवी रिले स्टेशन इन रिमोट लोकेशन यूज सोलर सेल पैनल।
अब जो रिमोट लोकेशन पे जो है रेडियो या वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम लगाए जाते हैं या टीवी रिले स्टेशन जो लगाए गए होते हैं रिमोट एरियाज के अंदर जहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच सकती है, तो वहां पर भी जो है सोलर सेल्फ पैनल का यूज किया जाता है और उनके थ्रू रेडियो का ट्रांसमिशन या टीवी का जो है ट्रांसमिशन सिग्नल का ट्रांसमिशन करवाया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल कैलकुलेटर्स एंड मैनी टॉयज आर फिटेड विद सोलर सेल। तो आजकल जो है ट्रैफिक सिग्नल्स में भी जो सोलर पैनल जो है यूज किए जाते हैं कैलकुलेटर्स के अंदर, और बहुत सारे ऐसे टॉयज आ गए हैं बच्चों के आजकल जिनमें जो सोलर सेल्स का यूज किया जाता है ताकि जो है वो उनके जो टॉयज हैं वो अच्छे से काम कर सकें, ट्रैफिक सिग्नल जो है बिना जो है हमें एक्सेस खर्चे के जो है हमें फ्री में अवेलेबल जो है एनर्जी हमें मिल सके। The solar cell panels are mounted on specially designed inclined rooftops so that more solar energy is incident over it. जो सोलर पैनल्स होते हैं तो वो जो है माउंट किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं इनक्लाइंड रूफ टॉप के ऊपर, मतलब जो घरों की छतें होती हैं वहां पर वो जो है इनक्लाइंड किए जाते हैं, लगाए जाते हैं एक स्पेशल पोजीशन के ऊपर, और उससे क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी है वो ज्यादा अवेलेबल हो पाती है उनको, और उसके थ्रू वो जो है ज्यादा से ज्यादा जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। The domestic use of solar cell is, however, limited due to its high cost. तो domestic use जो है solar cells का अभी उतना ज्यादा नहीं होता है क्योंकि इसका जो है cost बहुत ज्यादा है, तो हर एक person इसको जो है afford नहीं कर सकता है, तो इस तरीके से ये जो है इतने ज्यादा जो है घरों के अंदर यूज नहीं किया जा रहा है अभी। मे बी इन फ्यूचर जब इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी तो ये जो है फ्यूचर में सभी लोग इसको जो है यूज कर सकते हैं। These are the advantages. Now, studying about the limitations of the solar energy. तो इसमें जो है हमने पीछे इसकी limitations भी कुछ discuss की, तो उन्हीं में से कुछ limitations को अलग से select करके discuss करेंगे अब हम। These devices are useful only at certain times during the day. तो ये जो devices हैं ये useful होती हैं certain times during the day. तो मतलब दिन के कुछ time ही जो है ये काम कर सकती हैं। 24 घंटे में से सिर्फ 12 घंटे या 10 घंटे ही काम कर पाएंगे जब तक कि सन की लाइट रहेगी, उसके बाद ये काम करना बंद कर देंगी। इन रेनी और क्लाउडी डे देयर वर्किंग इज अफेक्टेड। किसी दिन अगर बारिश होगी, रेन होगी या क्लाउडी जो है रहेगा जो है, तो उस वेदर तो उस दिन ये जो है काम नहीं करेंगे या बहुत कम काम करेंगे। द डोमेस्टिक यूज ऑफ सोलर सेल इज हाउएवर लिमिटेड ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट। तो डोमेस्टिक यूज जो है सोलर सेल्स का वो जो है लिमिटेड है, जैसे अभी हमने लास्ट में भी डिस्कस किया कि इसका डोमेस्टिक यूज जो है लिमिटेड है क्योंकि इसका कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा हाई है, हर एक पर्सन इसको जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है। जो रिच पर्सन है वही जो है लगा सकते हैं इनको, बाकी जो गरीब लोग हैं वो इसको जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन फॉर मेकिंग सोलर सेल इज लिमिटेड। तो जो अवेलेबिलिटी है स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन की सोलर सेल्स को बनाने के लिए, तो वो जो है लिमिटेड है। That's all in this video. Thank you.